मैं अब पहुंच चुका हूं अपने अगली डेस्टिनेशन जो के है पुणे में सारस बाग पे। दोस्तों वक्त आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार हमेशा की तरह रहता है, क्योंकि अब खुलने वाला है रहस्य। सारस बाग पे सिचुएटेड जो स्ट्रीट फूड है कल्पना उसके पुणे के तवा पुलाव। सर आपका नाम क्या है? निवृत्ति रेड्डी। सर आप कितने टाइम से यहाँ पे तवा पुलाव बना रहे हैं? हम कम से कम 8-9 साल से। और यहाँ पे जो पुणे का तवा पुलाव वो फेमस है। तो आप ये लोगों को बताएंगे कैसे बनाते हैं? बनाते इजी है जी। तो चलिए कुछ ही देर में खोलेगा रहस्य, शुरू कर दे। क्या पहले क्या करना है? ये बटर लेना। ओके, ये बटर लिया आपने। ये कितना डाला? ये शिमला मिर्ची आपने डाला है। और फिर उसके बाद टमाटर, एक मुट्ठी शिमला मिर्ची, एक मुट्ठी टमाटर डालना है। ग्रीन पी जो के मटर ये भी एक मुट्ठी डालना है आपको। क्या है? आलू। अब इसमें आपको एक आलू लेना है, एक मुट्ठी आपने शिमला मिर्ची, एक मुट्ठी टमाटर लिया है, बटर डाला है और मटर डाला है। मटर। और ये देखिए, और तवा पुलाव है। चलो डाल दिया हमने आलू, बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है, रंग अच्छे आ गए। ओके सर, ये क्या डाला है? ये मिर्ची पाउडर। ये मिर्ची पाउडर हल्का सा आपने डाला है। क्या बात है, मिर्ची पाउडर डाला है। ओके, और क्या डालने वाले सर? उसके बाद और नमक। नमक स्वाद अनुसार। बिरयानी मसाला, क्या बोलते हैं इसको? बिरयानी मसाला। अच्छा, ये बिरयानी मसाला ये डाल रहे हैं जो कि आपको मार्केट में मिल जाता है बिरयानी मसाला। मिल जाता है। ओके, क्या बात है, बिरयानी मसाला डाले। और अभी हल्दी डालने का थोड़ा। हल्दी जल्दी। ओके, ये हल्दी डाली है। तो मैं ये देख रहा हूँ जो पुणे का तवा पुलाव है उसमें मसाले बहुत डाल दिया। मसाला पुणे में लोगों को तेज खाना पसंद है। ओके, मीट मिर्ची से लाओ ले पुलाव। और फिर ये उबला हुआ चावल वाला चावल, ये देखिए एक प्लेट इन्होंने अब चावल डाल दिया है। चावल डाल दिया। और क्या करना है अभी? इसको मिक्स करना। मिक्स करना, थोड़े धनिया डालना। अच्छा, धनिया भी डालना। डाल दीजिए। और यार धनिया भी डाल, रंग देखो यार, बढ़िया रंग है। क्या बात है, ये इतना अच्छा मिक्स कर दिया है आपने। और ये बासमती राइस इन्होंने लिया है, बहुत सिंपल है। मजा आ गया यार, इतनी जल्दी तवा पुलाव बनता मुझे नहीं पता था। और मतलब कल्पना जो कि 50 साल से पुणे में एकदम ही पुणे के ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड डिलीवर कर रहे हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, स्ट्रीट फूड बहुत सारा है, लेकिन आपको कल्पना पे आना है अगर आपको वो ऑथेंटिक पुनेरी तवा पुलाव खाना है। अच्छा, किसी वजह से अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, घर पे इसे बनाइएगा, घर पे ट्राई करिएगा, क्योंकि अब खुल चुका है रहस्य कल्पना के पुनेरी तवा पुलाव। जब आप पुणे आएंगे तो यहाँ पे सारस बाग में कल्पना में जरूर आइएगा, गेट नंबर 2 के पास है। 50 साल पुराना ये तवा पुलाव का रहस्य अब खुल चुका है, तो घर पे इसे जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अब खुल चुका है रहस्य कल्पना के तवा पुलाव का। होटल कल्पना का तवा पुलाव बनाने के लिए एक तवे पर मक्खन डालें, फिर उसके बाद एक मुट्ठी कटी हुई शिमला मिर्च डालें, एक मुट्ठी टमाटर, एक मुट्ठी हरा मटर, एक उबला हुआ आलू काट कर डालें, एक चम्मच मिर्ची पाउडर डालें, नमक स्वाद अनुसार, एक चुटकी बिरयानी मसाला, हल्की सी हल्दी डालें, उसके बाद उसे अच्छे तरीके से मिक्स करें, एक प्लेट उबला हुआ बासमती राइस इसमें डालें, धनिए से गार्निश करें और अच्छे से मिक्स करें, और ये आपका तवा पुलाव रेडी। अब खुलेगा रहस्य कल्पना के तवा पुलाव का। इतने कम समय में इतना अच्छा पुलाव बन सकता मुझे नहीं पता था। तो चलिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में नई जगह नई रेसिपीज के साथ। देखते रहे अब खुलेगा रहस्य जायकों का। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।